धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और आसपास के संसदीय क्षेत्र पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सब स्थानों के लाखों लोग दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में व्यावसायिक कार्यों के दृष्टिकोण से रहते हैं और अनेक वर्ष से वहाँ निवास करते हैं और दक्षिण भारत के कई शहरों के कई विधाओं की इकोनॉमी में उनका सबसे बड़ा योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। महोदय, जो हमारे लोग वहाँ रहते हैं उनके आवागमन के साधन के लिए जो रेल चलती है, 15 साल पहले जोधपुर से चेन्नई एक ट्रेन शुरू हुई थी, जो जिस दिन शुरू हुई थी तब से आज तक साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चल रही है। इसके अतिरिक्त जो पुणे के लिए जो ट्रेन चलती है वो सप्ताह में दो दिन चलती है और बॉम्बे के लिए जो ट्रेन चलती हैं वो सप्ताह में एक दिन चलती हैं। ऐसे में यदि किसी जो वहाँ काम करता है उसके परिवार में 8-10 लोग रहते हैं और कोई दुर्घटना या मृत्यु कुछ हो जाती है, उनके पास 7-7 दिन तक वापस लौटने का, अपने घर लौटने का कोई तरीका नहीं होता है। और क्योंकि ट्रेन माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ट्रेन जो है वो सप्ताह में एक दिन चलती है, उस पर इतना दबाव है कि 2 महीने पहले जब रिजर्वेशन शुरू होता है, अब माननीय रेल मंत्री जी ने 4 महीने कर दिया है, तो 4 महीने पहले जब रिजर्वेशन शुरू होता है तब पहले 5 मिनट में ट्रेन बुक हो जाती है, तो उसको बिना रिजर्वेशन के यात्रा करनी पड़ती है या और किसी ट्रेन से आना पड़ता है। मैं निवेदन करता हूँ माननीय रेल मंत्री जी से, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि बार बार मैंने ये निवेदन किया है कि ये जो ट्रेन हमारी साउथ इंडिया से जोड़ने वाली रेल्स हैं, इन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएं, इनको नियमित किया जाए। धन्यवाद।